यहाँ पे जाएंगे माय अकाउंट और हम लोग यहाँ पे ओएम से रिलेटेड बात करेंगे। सर वो क्लोन नहीं करेंगे पहले? क्लोन अभी ओएम का चल रहा है, अच्छा उसके बाद देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे माय एक्शन, माय एक्शन में आपको मिलता है ओएम पैनल, है ना। यहाँ पे देखो मुझे ओएम पैनल मिला है, दैट मींस मेरा ओएम रजिस्टर्ड हो चुका है। कल हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट की और बात किया था कि आपको कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये हमारा पहला लेक्चर का पार्ट हो चुका था। सेकंड में अभी हम लोग यहाँ पे माय एक्शन में, यदि आपको वेंडर असेसमेंट बनना है तो कैसा होगा, आपको वेंडर असेसमेंट में जाना पड़ेगा, ये असेस्ट बोल के ऐसा टिक मार्क आएगा, ये होने के बाद आपको ऐसा ओएम पैनल दिखेगा, दैट मीन्स तब आपका ओएम बन चुका। ये बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो यहाँ पे अलग अलग है ना, ये मेरा न्यू है और ये ऑलरेडी पास असेस्ट हो चुका है ना। तो हम लोग ये वाला पार्ट को देखते हैं, इसमें हमारा डिटेल्स क्या क्या है, असेसमेंट मी एज ए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एज ए मैन्युफैक्चरर। या तो फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, पहले का ये जो है इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया, ये मेरा पास्ट है ऑलरेडी। हम लोग नया असेसमेंट की ओर जाते हैं। मैंने आपको चार्जेस भी बताए थे, 11,200 प्लस 18% जीएसटी आपको चार्ज कर देना पड़ेगा। असेसमेंट एग्जम्पशन यदि आप लेते हो तो एग्जम्पशन के लिए हम लोगों ने बताया था कि आप लोगों को छूट मिल सकता है, कौन सा छूट मिल सकता है, ये जो पैसा है इसमें आपको छूट मिल सकता है। कब मिलेगा, यदि आपका टर्नओवर उसी कैटेगरी में 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो, एनएसआईसी का सर्टिफिकेट है तो, बीआईएस का लाइसेंस है तो, या सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह से यूसीसी कोड वगैरह है तो, ये सब चीजों में यदि आपके पास कोई भी चीज है तो कैसा, आपको 11,200 प्लस 18% मतलब दैट मींस 13,216 रुपीज, है ना, वो पैसा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के बाद सेम प्रोसेस रिपीट होगा, सेम चार्जेस। कितने भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करो, मल्टीपल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आपके जो चार्जेस होंगे वो सेम होंगे, अलग से आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। आपको चार्जेस जो है एक साथ आप 10, 20, 50 कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, चार्जेस इतना ही देना है। पर एक बार असेसमेंट हो गया, अभी जैसे ये एक बार असेसमेंट मुझे हो गया, अभी यदि मैं नया असेसमेंट करता हूं तो मुझे चार्जेस फिर से देना पड़ेगा। तो आप एक साथ मल्टीपल असेसमेंट कर सकते हो, जितने का आप मैन्युफैक्चरर हो उसके लिए आपको कोई चार्जेस देना नहीं पड़ता एक्स्ट्रा, मतलब एक ही बार आपको चार्ज देना पड़ता है। क्लियर है यहां तक, ये हमारा कल के लेक्चर में हो गया था, उसका एक समरी हम लोगों ने बताया। आगे चलते हैं, तो यदि आपको एग्जम्पशन लेना है तो यहाँ पे असेसमेंट रिक्वेस्ट है और सर्टिफिकेट्स वगैरह है, और यदि मुझे नहीं लेना है तो असेसमेंट में जाएंगे और क्रिएट न्यू असेसमेंट पे क्लिक करेंगे। असेसमेंट मी एज ए, 2 पार्ट है, एक मैन्युफैक्चरर है और एक रीसेलर है ना। आप मैन्युफैक्चरर बनेंगे, रीसेलर भी बन सकते हो। मान लीजिए कोई कंपनी बाहर की है, इंडिया की नहीं है, आप उसका ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो और वो कंपनी ओएम नहीं बना है, तो आप उनका प्रोडक्ट एज ए रीसेल करके बेच सकते हो असेसमेंट करके, है ना। इसमें क्या होगा, आपको जो आपको दिख रहा था ना इससे पहले ओएम पैनल, ये जो आपको ओएम पैनल दिख रहा था ना, यदि आप रीसेलर के लिए अप्लाई करते हो तो ये ओएम पैनल नहीं मिलेगा, मतलब कोई आपका प्रोडक्ट सिर्फ पेयर नहीं कर पाएगा, इतना ही है, बट सिर्फ आप ही वो प्रोडक्ट बेच पाओगे, आप किसी को ऑथराइजेशन नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप वो प्रोडक्ट बेच पाएंगे रीसेलर में। और ओएम के लिए यदि एज ए ओएम भरते हो तो आप किसी को ऑथराइज भी कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट दूसरा भी कोई लोग बेच सकता है, तो क्रिएट न्यू असेसमेंट। दोनों के लिए प्रोसेस सेम रहेगा, मैन्युफैक्चरर में जाओ या रीसेलर में जाओ।
रीसेलर में जाओगे तो जो मैन्युफैक्चरर है उनका पूरा असेसमेंट आपको करवा के देना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरर हो तो आपका खुद का असेसमेंट होगा, सिर्फ इतना ही डिफरेंस। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का देखते हैं, इनिशिएट वेंडर असेसमेंट। जो ओईएम है उनके लिए यदि आपको कोई प्रोडक्ट एज ओईएम बेचना है तो वेंडर असेसमेंट करना मैंडेटरी है। वेंडर प्रोफाइल आता है सेकंड पार्ट पे, यहाँ पे आपको एक एडिशनल मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी डालना पड़ता है, बस इतना ही है। अकाउंट डिटेल्स पहले से उठ के आ जाता है। कैटेगरी डिटेल्स अभी आपको यहाँ पे पूछ रहा है फोर्थ नंबर पे, है ना, ये आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जो भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो कैटेगरी के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, ना कि प्रोडक्ट के लिए। जब मेरा पास उस कैटेगरी का ओईएम बन जाएगा तो मैं उस कैटेगरी में कितने भी प्रोडक्ट डाल सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं जेल पेन बनाता हूँ या फर्नीचर का ले लेता हूँ, जैसे मैं चेयर बनाता हूँ, कौन सा चेयर, अभी इसमें बहुत सारे चेयर है तो मैं चेयर ऑफिस का बनाता हूँ, ऑफिस चेयर, है ना, ऑफिस चेयर। इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल्स देना पड़ेगा, ऑफिस चेयर। प्रोडक्शन कैपेसिटी आपका पर मंथ कितना है, तो मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मंथ मान लो 100 है। एड रो, और क्या बनाते हो, मैं टेबल भी बनाता हूँ, कौन सा टेबल, यहाँ पर भी बहुत सारे आगे, आप मल्टीपल ले सकते हो, एज गुड टेबल। इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, 50 पर मंथ। चेयर मान लीजिए, और मैं मल्टीपल टाइप के बनाता हूँ, मैं रिवॉल्विंग चेयर भी बनाता हूँ, रेस्टोरेंट चेयर भी बनाता हूँ, तो रिवॉल्विंग चेयर। जितने चाहिए आप उतना का दे सकते हो, है ना, और भी चेयर बनाते हैं हम लोग, रेस्टोरेंट चेयर भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी डाल दिया। यदि आप रीसेलर होते तो आपके लिए ओईएम ऑथराइजेशन डालना पड़ता, फिर ओईएम ऑथराइजेशन में डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ता, इसके लिए अभी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आता है सोल डिटेल्स, ये भी मैंडेटरी पार्ट नहीं है, आप डालना चाहोगे तो डाल सकते हो, पर यदि आप डालेंगे तो आपको उसका वर्क ऑर्डर, इनवॉइस कॉपी सब कुछ आपके पास होना चाहिए जिनको आपने सेल किया है। जैसे कि सोल डिटेल्स कैसे डालेंगे, आपने गवर्नमेंट सेक्टर को बेचा है या प्राइवेट को, मान लीजिए मैंने प्राइवेट सेक्टर को बेचा है, कौन से कंपनी को, SM एंटरप्राइज, मान लो इस कंपनी को मैंने बेचा है, कौन से साल में बेचा है, तो मैंने इसके साथ 21-22 में किया था, क्या दिया था आपने, चेयर ऑफिस दिया था, कितना क्वांटिटी, मान लो मैंने एक बार में 10 दिया, एक बार 20 दिया, एक बार 50 दिया, ऐसे करके टोटल मैंने 80 क्वांटिटी पूरे साल भर में दिया 21-22 में, तो 80 डाल देंगे। उसका टोटल वैल्यू कितना हुआ, तो टोटल वैल्यू हो गया मान लो 49,500। ऐसे मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, जहां पर भी दिया है, प्राइवेट को, गवर्नमेंट को, अलग 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 कैटेगरी के लिए, अलग अलग साल में, है ना, जितना चाहिए। पर जो भी आप यहाँ पे डालेंगे सबका इनवॉइस और वर्क ऑर्डर का कॉपी आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे डाल के सेवन प्रोसीड। फिर फाइनेंशियल डिटेल्स, ये आईटीआर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और बाद में आएगा पेमेंट जो 13,216 रुपया डालना पड़ेगा। यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वेंडर प्रोफाइल मेरा, यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर नहीं डाला है, यहाँ जैसे मोबाइल नंबर डाल दूंगा पेमेंट मुझे ऑनलाइन पे करने के लिए आ जाएगा, जो मैं हम लोग ऑनलाइन पे यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसका वेरिफिकेशन होने के लिए 2 दिन जाएगा, 2 डेज, 2 दिन का, 2 डेज का इसका वेरिफिकेशन होगा। आफ्टर 2 डेज, जैसे हमारा 2 दिन का वेरिफिकेशन हो जाएगा, 2 दिन के वेरिफिकेशन के बाद मुझे एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड आ जाएगा। कहां से आएगा, ये आएगा हमें जेम की ओर से, जो एक पार्टनर है जेम का, QCI, वो मुझे एक आईडी और पासवर्ड शेयर करेंगे, उसको मुझे लॉगिन करना है, कहां पे, जेम QCI लॉगिन डाल दो। यहां तक क्लियर है, यहां तक में कोई डाउट है तो बताओ। हाँ प्रज्ञा मैडम बोलिए। सर आपने बताया सोल डिटेल्स में मैंडेटरी नहीं है, सच में मैंडेटरी नहीं है, आगे भी जाके कोई प्रूफ नहीं मांगेगा वर्क ऑर्डर का, मांगेगा ना मैडम, वो अलग, तो सोल डिटेल्स में डालना चाहिए या नहीं, ना चाहिए, डालेंगे तो भी चलेगा क्योंकि आगे आपको प्रूफ मांग, आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट का, प्राइवेट का तो नहीं पर गवर्नमेंट का प्रूफ मांगता ही है,
ओके ठीक आगे है ठीक दिखाता हूँ मैं आगे क्यूसी है ओके सर। तुषार सर सर ये जो रीसेलर का आपने किया सर, अभी रीसेल का मुझे ओईएम मिल गया सर हाँ ऑथराइजेशन, हाँ तो रीसेलर का वो मैं ये पूरा डिटेल्स भर के वो जो भी प्रोडक्ट का मुझे मिला है तो उसके सामने अपलोड करके वो हो जाएगा सर, बट हाँ उसके सोल्ड सोल्ड किया ही नहीं तो नहीं कर सकते ना फील, ऐसा मैंडेटरी नहीं ना सर वो क्या मैंडेटरी नहीं है? सोल्ड वाला डिटेल सर। नहीं, सोल्ड वाला मैंडेटरी नहीं है ना, जो ओके बता रहा। क्योंकि पर रीसेलर का देखो, सर ये मुझे यदि आप मैन्युफैक्चरर हो तो ही आपके लिए काम का है, आप एज ए रीसेलर करके यहाँ पे कोई काम का नहीं आपके लिए। बट रीसेलर रीसेलर के लिए सर अगर मुझे लाइट ने ये लाइट वाले ने दिया ओएम तो क्या, ऑथराइजेशन तो आप लेटर डायरेक्ट एड उसका पे, ऑथराइजेशन लो और वो ओईएम है तो डायरेक्ट भेज पाओगे ना। ओके ओके तो आप जरूरत ही उनके नहीं भी सर आप ये में, करना। ये आपको वेरिफिकेशन दोनों के लिए होगा, रीसेलर के लिए भी होगा, ओईएम के लिए होगा। देखो अभी आगे कितना प्रोसेस है, ओके आप ओके इतना सर थैंक मेहनत यू सर आपको करना पड़ेगा और बाद में आप किसी को बेच भी नहीं सकते, मतलब खुद ही ओके प्रोडक्ट ओके बेच पाओगे खाली। यस यस ठीक है सर ओके सर। साहू सर बोलिए। सर एक्चुअली बोला था सर वेंडर असेसमेंट सर हाँ, कब जरूरत पड़ेगी हम यदि आप ओईएम हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो वही। हाँ ठीक है सर हाँ, तो आपको करना पड़ेगा। एज आप अपना कोई भी प्रोडक्ट एज ओईएम बेचना चाहते हो तभी। तो ये है लॉगिन क्यूसीआई का, है ना, जेम वेंडर असेसमेंट सिस्टम। लॉगिन करेंगे, आपका जो भी आईडी है और क्रेडेंशियल है वो डालेंगे। देखो मैं डाल के दिखाता हूँ, जिससे कहीं पर है मेरे पास। आ गया यहाँ पे, यहाँ पे मैनुअल्स भी है कुछ, है ना, डिटेल्स में इसके पॉलिसीज, इसके डिटेल्स, किस तरीके से प्रोसेस होगा, हम यही वर्क फ्लो असेसमेंट कैसा होगा, ये इसके पूरे डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। चेकलिस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो भी यहाँ पे बता दिया है ना। तो मैं इसका एक पीडीएफ आपको दे देता हूँ, JMQCI, है ना। तो मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ, ताकि आपको बनना है तो पहले ये सब चीजें आपको डॉक्यूमेंट्स के तौर पे लगेगा, जो जेम के थ्रू से मैं डायरेक्ट आपको दे रहा हूं। आपको ये डिटेल शेयर कर रहा हूं, देखो चैट बॉक्स पे, ये चैट बॉक्स पे शेयर, सॉरी। ये देखो शेयर कर दिया, और फिर हम लोग जाते हैं इसके प्रोसेस पे। इसमें दो पार्ट होगा, एक होगा जैसे कि यहाँ पे बताया है, एक होगा डेस्कटॉप असेसमेंट, देखो यहाँ लिखा है ना, एक होगा डेस्कटॉप असेसमेंट। डेस्कटॉप असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद ये आपका बनेगा वीडियो असेसमेंट। डेस्कटॉप असेसमेंट में क्या होगा, इसको शॉर्टकट में डीए बोलते हैं, है ना। ऑथराइजेशन ऑफ वेंडर प्रोफाइल, आपका वेंडर प्रोफाइल के रिगार्डिंग आपको चेक होगा, जिसमें जनरली बिजनेस एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको इसके रिगार्डिंग अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और वीडियो वेरिफिकेशन में एक्सपर्ट आपको ऑनलाइन, अभी यहाँ पे ऑनलाइन हो रहा है, पहले ऑफलाइन होता था, अभी ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन के थ्रू से सभी आपके पूरे फैक्ट्री में देखेंगे हर चीज, प्रोडक्ट कैसे आया, कहाँ से आया, और वो पूरा पैकेजिंग होने तक का पूरा वीडियो वो लोग देखने को बोलेंगे ऑनलाइन, वीडियो के थ्रू से वो आपको दिखाना पड़ेगा। और ये लोकेशन होगा जियो टैग से होगा, मतलब आप कोई जो आपने एड्रेस प्रूफ दिया होता है एड्रेस का, वही एड्रेस होना चाहिए, अलग एड्रेस में जाके आप वीडियो वेरिफिकेशन नहीं करवा पाएंगे, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। जो मैंने अलग कोई कंपनी में गया और उनके अलग एड्रेस पे जाके वहां का करवा दिया, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ये दो पार्ट है, चलिए फिर देखते हैं हम लोग कैसे करके करेंगे वीडियो असेसमेंट। वीडियो असेसमेंट देखो, ये एक वीडियो असेसमेंट है, डेस्कटॉप असेसमेंट इन प्रोसेस, अभी प्रोसेस में है। इसको एक्शन पे जाके क्लिक करो और यहाँ पे आपको सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इन्फॉर्मेशन का पहला पार्ट है, जहां से आपसे जीएसटी नंबर ऑटोमेटिकली आ गया है, यहाँ पे जाके सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड करेंगे तो ऐसा ग्रीन हो जाएगा,
नहीं करते हैं, देखो कोई अपलोड नहीं है तो मैं दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है, कोई डॉक्यूमेंट्स मेरा अपलोड ऐसा होगा, ऑरेंज में रहेगा जो अपलोड नहीं है ना, और जो अपलोड हो जाएगा वो ग्रीन हो जाएगा। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो जो आपने अपलोड किया है देखने के लिए, तो यहाँ से आप देख के डाउनलोड भी कर सकते हो। डिलीट करना है, नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, ये डिलीट हो जाएगा। ये जीएसटी है। फिर आता है इनकॉर्पोरेशन डेट, आपका जो भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो डाल सकते हो और उसका प्रूफ यहाँ पे उद्यम चल जाएगा। देखो हर एक जगह पे लिख दिया है जो क्या लगेगा, या तो इनकॉर्पोरेशन या तो उद्यम, यहाँ पे जीएसटी अपलोड करना है, यहाँ पे एड्रेस और एड्रेस के प्रूफ, सिर्फ यहाँ पे तीन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, एड्रेस प्रूफ ये रहेगा। एड्रेस प्रूफ में जीएसटी भी चलेगा, उद्यम भी चलेगा, लीज एग्रीमेंट वगैरह चल जाएगा, है ना, गवर्नमेंट के कोई भी प्रूफ। क्लियर है ये वाला पार्ट? सेकंड आते हैं डिटेल्स ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में क्या रहेगा, यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन रहेगा ओनरशिप का। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड होगा, देखिए जस्ट क्लिक करता हूँ, बेनिफिशियरी ओनरशिप यहाँ पे आ जाता है, यही वाला आपको लेटर हेड में सील साइन करके सिर्फ अपलोड कर देना है। अपलोड कर देंगे यहाँ पे एज ए ओएम और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और एक ऑप्शन है यहाँ पे डीम्ड ओएम। डीम्ड ओएम कब बन सकते हो आप ये डीम्ड ओएम भी बन सकते हो कभी, यदि कंपनी बाहर की है, इंडिया की बाहर की है, और आप यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर चैनल पार्टनर हो जैसा भी है, तो आप डीम्ड ओएम बन सकते हो। कंपनी पर इंडिया की नहीं होनी चाहिए, बाहर की होनी चाहिए। तो आप यदि मैन्युफैक्चरर नहीं भी हो तो आप उनका डीम्ड ओएम बन सकते हो। तो ऐसे केसेस में आप जो भी कंपनी का है वहां का डिटेल्स डालोगे, पर ये वेरिफिकेशन फिर उनका भी होगा, जो मैन्युफैक्चरर है उनसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, पूरा वीडियो वेरिफिकेशन उस कंपनी का आपको करवाना पड़ेगा। तो आप ऐसे में डीम्ड ओएम बन सकते हो, यदि आप ओएम हो तो ओएम। अदर्स डॉक्यूमेंट्स में आपको देखो यहाँ पे आ गया, ये कंपनी कैसा है, जो ने हमने अभी जो कंपनी खोला है वो प्राइवेट लिमिटेड है, इसलिए हर एक डायरेक्टर का डिटेल्स, पूरे डायरेक्टर का शेयर होल्डर कितने हैं, है ना, सभी आपको डिटेल्स आपको अपलोड करना पड़ेगा आईटीआर के अकॉर्डिंगली, सभी डायरेक्टर्स के और टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हैं उसके, है ना। एमसीए के वेब पोर्टल में आपको इसका पूरा डिटेल्स मिल जाता है, वहां से डाउनलोड करके अपलोड। यदि आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है, यदि आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप, तो कुछ नहीं, सिर्फ आधार कार्ड आपको अपलोड करना पड़ता है। क्लियर है, कोई डाउट्स है तो बताइए। साहिल सर बोलिए। हाँ गुड इवनिंग सर। सर ये प्रोप्राइटरशिप के अंदर अपना रहा तो सिर्फ जो प्रोप्राइटर है उसी की डिटेल्स लगेंगे ना, बाकी उसके नीचे जो बस और कुछ नहीं। ओके पुरोहित सर। सर वो मेरे को दोनों कंफ्यूजन हो रहे, एक ओएम पैनल और एक रीसेलर है, तो ये डीम ओएम हो गया रीसेलर, फर्क क्या है? ओएम मतलब आप खुद मैन्युफैक्चरर हो, डीम्ड ओएम मतलब कंपनी इंडिया की नहीं है, बाहर की है और वो जेम पे नहीं आना चाहती, पर आप उसका पूरा का बिजनेस आप इंडिया का पूरा उनका आप ही देखते हो, तो अभी आपका वो प्रोडक्ट आपको एज ए जेम पे बेचना है, तो आप उनके भी हाफ में यहाँ पे ओएम बन सकते हो। और रीसेलर क्या होता है? रीसेलर मतलब हम प्रोडक्ट लेके बेच रहे हैं किसी का भी, तो हम रीसेलर हो गए। अच्छा, जैसे कि इंडिया की कंपनी, अभी आप मेन डिस्ट्रीब्यूटर, आपसे लेके बहुत सारे लोग बेचेंगे ना, जो भी जितने भी लोग बेचेंगे सब लोग रीसेलर हो जाएंगे। अच्छा, वो कंपनी इंडिया की हो बोली? हाँ नहीं समझा मुझे। लेकिन अब उसमें एक रीसेलर पहले था ना, आपका रीसेलर का भी था, रजिस्ट्रेशन था रीसेलर पहले फर्स्ट पार्ट में ना। हाँ अच्छा, रीसेलर में कैसा होता है कि आप वो कंपनी का लेके सिर्फ खुद का खुद ही बनाना, खुद ही सिर्फ आप ही बेच पाओगे, दूसरा और उस प्रोडक्ट को कोई नहीं बेच पाएगा। डीम्ड ओएम में आप दूसरे को भी ऑथराइजेशन दे सकते हो। अच्छा, और रीसेलर में सिर्फ खुद का ही रहेगा। नहीं, कोई जैसे ओएम है वो खुद रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया का, और हम उसका डीम्ड ओएम नहीं बन सकते, ओएम ही बनेंगे उसमें। हाँ, यदि इंडिया का है तो सिर्फ ओएम ही बनेगा, डीम्ड ओएम नहीं बनता, बाहर की है तो बन सकते। नहीं नहीं, किसी का खुद ही ओएम है वो जैम पे नहीं है। नहीं, इंडिया का रहा तो नहीं, इंडिया वाले फिर उसको ओएम ही बनना है।
आप उसके जगह पे नहीं बन सकते। हाँ, आप रीसेलर पैनल के लिए अप्लाई कर सकते हो वहां पे, पर वो फिर आप ही प्रोडक्ट बेच पाओगे, दूसरा कोई नहीं बेच पाएगा, और वो काम का नहीं है फिर। अब वो OEM भी नहीं बेच पाएगा बाद में, जब OEM आएगा वो भी नहीं बेच पाएगा। सर हाँ बोलिए। बाद में वो OEM के लिए अप्लाई करेगा, हाँ तो फिर आपके पास से निकल जाएगा वो, मेरे पास से निकल जाएगा, आपके पास से निकल जाएगा और वो OEM बन जाएगा। अच्छा ठीक है। साहिल सर, सर ये जो OEM है ये सिर्फ इंडिया में ही अपन ले सकते हैं, और इंडिया के बाहर का जो रहा वो DOEM रहेगा, और रीसेलर क्या अपन OEM और DOEM दोनों से ले सकते हैं क्या, या फिर आउट ऑफ की कंपनी रही तो DOEM ही लेना कंपनी लेगा? कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, रीसेलर जनरली कोई नहीं लेता। अच्छा, क्योंकि वहां पे आप अपना प्रोडक्ट सिर्फ खुद बेच पाओगे। अच्छा, सिर्फ खुद का प्रोडक्ट खुद बेच पाओगे, दूसरा कोई भी आपको किसी को ऑथराइजेशन देने नहीं जमेगा, कुछ नहीं, OEM पैनल नहीं मिलेगा, सिर्फ आप अपना प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा रहे हो, एक कंपनी का प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा रहे हो, इतना ही समझो। अच्छा, डीम्ड OEM में आपको ऑथराइजेशन नंबर या दूसरे को ऑथराइज करने को भी मिलेगा। अच्छा सर, अच्छा आगे बोल सकते। प्रज्ञा मैडम, सर अगर कंपनी इंडिया की ही है पर उनको जेम में आना नहीं है तो भी हम डीएम ओनली OEM नहीं बन सकते हैं? नहीं मैडम, सिर्फ OEM ही बन सकता है, फिर वो डीम्ड OEM नहीं बन सकते। ओके ठीक है सर। अमित सर, सर ये डीम OEM में या फिर जो बाहर वाली कंपनी है उसका भी वीडियो वेरिफिकेशन होगा? और वो किस लोकेशन पे होगा? उसी लोकेशन, किस लोकेशन पे उनका ऑफिस है उस लोकेशन से होगा, मतलब अदर कंट्री का? ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट है वो आपके प्रोडक्ट, और यदि इसका टेस्ट रिपोर्ट है, टेस्ट रिपोर्ट किसका होना चाहिए? NABL का। तो यहाँ पे यस करेंगे तो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, नहीं है तो नो कर दीजिए, चला जाएगा। बट देखिए, हर एक चीजों में टेस्ट रिपोर्ट, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है जहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट जरूरत होता है। मैंने आपको बताया था कैटलॉग में, याद है आप लोगों को, फर्स्ट डे के लेक्चर में शायद बताया था कि कौन से प्रोडक्ट में टेस्ट रिपोर्ट वगैरह क्या क्या चाहिए। जिस प्रोडक्ट रिपोर्ट वगैरह चाहिए उसमें आप नो करेंगे तो वेंडर असेसमेंट नहीं मिलेगा, फिर आपको टेस्ट रिपोर्ट देना ही पड़ेगा, वो भी NABL। ठीक है, बाकी चीजों में नो कर सकते हो। कैटलॉग, लिस्ट ऑफ रेगुलर, आपका जो कैटलॉग है प्रोडक्ट, जो आप प्रोडक्ट डाल रहे हो, इसका प्रोडक्ट का पूरा कैटलॉग अपलोड करना पड़ेगा। कैटलॉग में क्या क्या होनी चाहिए, तो है ना, आपके पिक्चर्स होने चाहिए, फोटोज, और उसके पूरे स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए कैटलॉग में। आपने कैटलॉग समझा क्या, कैटलॉग, या दिखा दो गूगल पे कैटलॉग, दिखा दो, प्रिंटर का दिखा दे, कैटलॉग प्रिंटर, देखिए तो मुझे प्रिंटर कंपनी कैटलॉग PDF। जनरली आपने देखा है, सिर्फ आइडिया के तौर पे देखो समझने के लिए, ऐसा हर लोगों ने कहीं ना कहीं देखा ही है। देखो ये प्रोडक्ट है, ये नोटपैड बनाता है, इसके बारे में इसका पूरा इंफॉर्मेशन है। ये डेस्कटॉप प्लानर है, इसके बारे में इसका पूरा इंफॉर्मेशन है। पिक्चर्स क्या क्या साइज में अवेलेबल है, क्या क्या चीजें हैं, कलर क्या है ना, इसका पूरा इंफॉर्मेशन देखो दिया हुआ है। इसको ही हम लोग कैटलॉग बनाते हैं। जो भी प्रोडक्ट है उसका आपको सेम इस तरीके से आपको PDF बना के देना पड़ेगा। क्लियर है? रेगुलर आइटम, यदि आपका कोई रेगुलर या कस्टमाइजेशन आइटम है तो कस्टमाइजेशन आइटम का कैटलॉग क्या, किस तरीके से डिजाइन करते हो, उसका फोटो, उसका डिटेल्स अपलोड करना। यदि नहीं है तो सेम चीजें आप यहीं पर अपलोड कर दोगे। एनुअल मेंटेनेंस कैपेसिटी, जो एनुअल आपका मेंटेनेंस कैपेसिटी है वो टोटल जो भी है वो डालेंगे। क्वालिटी, किस लिए कोई सर्टिफिकेशन वगैरह लिया है, लिया है तो यस, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, नहीं है तो नो, सिंपल है। ओके, आपका गवर्नमेंट का ऑर्डर देखो यहाँ पे आ गया। बिजनेस एक्सपीरियंस टोटल 3 साल का
एक्सपीरियंस मतलब मैंने बोला था फर्स्ट गवर्नमेंट ऑर्डर 3 साल के पहले का और अभी का, ऐसे 2 वर्क ऑर्डर आपको अपलोड करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है। गवर्नमेंट का जो भी आपको फर्स्ट ऑर्डर मिला है अभी तक, वो ऑर्डर का पूरा डिटेल्स और वर्क ऑर्डर का कॉपी यहाँ पे अपलोड होगा। क्वांटिटी सप्लाइड, कितना अभी तक क्वांटिटी सप्लाई किया है आपने। ऑर्डर वैल्यू इन रुपीज, कितने ऑर्डर का वैल्यूज का सप्लाई किया है लास्ट 3 इयर्स में। आपकी कंपनी ब्लैकलिस्टेड है कि नहीं, है ना, यदि है तो भी डिटेल्स, नहीं है तो आपको उसका एक डिक्लेरेशन अपलोड करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन है खाली, वो आप नॉर्मल अपलोड कर सकते हो, इसका फॉर्मेट वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा चाहे तो, और नहीं तो भी आपको नेट पे मिल जाएगा, ब्लैकलिस्टेड के फॉर्मेट ले लो, मेरे पास भी है, मैं आपको दे दूंगा। ऑर्डर टोटल वैल्यू ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटिव टू गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट को आपने लास्ट 3 इयर्स में कितना वैल्यू का दिया और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कितना दिया, ये डिटेल्स डालना है। तो इतना प्रोसेस है डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट में। चलिए डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट में किसी को डाउट है तो बताओ। साहिल से बोलिए। सर ये इसके अंदर अपन जो गवर्नमेंट वर्क ऑर्डर मंग रहा है, अभी सपोज अभी कोई ऐसी फर्म है, मेरे पास तो है गवर्नमेंट का ऑर्डर, लेकिन कोई अपनी दूसरी फर्म है उसके ऊपर गवर्नमेंट का भी कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करेंगे अपन? नहीं, उसको अभी नहीं दे रहा, पहले तो ये नहीं था मैंडेटरी, अभी ये गवर्नमेंट का ऑर्डर मैंडेटरी कर दिया। तो मतलब जिसके पास गवर्नमेंट का पहला वर्क ऑर्डर रहेगा वही उसके ऊपर आ सकता है क्या? एक तो ऑर्डर होना चाहिए जितने भी कैटेगरी हो रहे, और वो अगर यहाँ पे अपलोड नहीं करे अपन ये वाला पैनल और कोई टेंडर निकलता है तो उसके अंदर अपन अप्लाई कर सकते हैं क्या वो वाली फॉर्म? वो टेंडर के बाद अलग होगी, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे। नहीं मैं पूछ क्यों रहा हूँ कि ये चीज आगे भी तो आने वाले नहीं कि, तो ये प्रोफाइल ही क्रिएट हो रही ना पूरी, तो ये रिफ्लेक्ट बाद में करेगा ना, के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आपको, मैं समझ रहा हूँ आपको, मेरी क्यूरी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी के पास गवर्नमेंट का कोई अभी प्रीवियस ऑर्डर नहीं है और वो यहाँ पे अपलोड नहीं करता तो आगे उसको दिक्कत आएगी क्या, या फिर ये इधर रजिस्ट्रेशन करने आगे आप बढ़ ही नहीं सकते ना, लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। अच्छा। तो बढ़ने के लिए मैंडेटरी कर दिया है, आपको आगे जाने ही नहीं देगा, सेव ही नहीं करने देगा। अच्छा। तो नहीं करेंगे तो आप नहीं हो जा सकते। ओके ओके सर। विवेक सर, सर कैटलॉग में प्राइस भी मेंशन करेंगे? नहीं मैंडेटरी नहीं है, कर सकते हो पर एमआरपी नहीं भी करेंगे तो भी चलता है। नहीं आपने जैसे कहा था कि वहाँ न्यू प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें प्राइस, हाँ एक्चुअली वहाँ पे एमआरपी के लिए हम लोग कैटलॉग बना रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पे तो एमआरपी के लिए नहीं दे रहे, या मैंडेटरी नहीं, यहाँ पे प्राइस आपके ऊपर है, आप देना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम, नहीं देंगे तो भी चलेगा। रोहित सर, स्टार्टअप के लिए भी, स्टार्टअप के लिए भी ऑर्डर चाहिएगा? स्टार्टअप इंडिया के लिए नहीं, हाँ उसको आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, उसको बहुत सारी चीजों में एग्जम्पशन मिल जाता है, तो उस पे तो ऑर्डर कॉपी नहीं चाहिए ना गवर्नमेंट का? नहीं, हाँ। अच्छा स्टार्टअप ओनली फॉर स्टार्टअप, नो एमएसएमई और एमएसएमई नहीं, एमएसएमई तो होते ही है ना उद्यम वाले, लेकिन अगर स्टार्टअप को गवर्नमेंट ऑर्डर चाहिए नहीं चाहिए सर, का फॉर सॉल्यूशन हो जाएगा ना। ठीक है, थर्ड आते हैं फिर, और कोई डाउट्स है थर्ड नंबर तक? आते हैं फोर्थ, डिटेल्स ऑफ द फॉर्म, कंपनी के बारे में। तो कंपनी आपका टोटल प्रोडक्शन साइट जहां पर भी है, मल्टीपल प्रोडक्शन साइट है तो ठीक है, हाउ मेनी साइट्स आर देयर, कितने साइट्स हैं, 1-2, तो सबका एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, एड्रेस और उसका प्रूफ। मान लो आपका 2-4 जगह पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, आपने अभी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया, 10 कैटेगरी के लिए अप्लाई किया हो सकता है आपका, पर 3 यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, 3 दूसरे जगह पे होता है, 4 दूसरे जगह पे होता है, तो फिर आपको हर साइट का एड्रेस देना पड़ेगा और उस साइट का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। यही जो एड्रेस होगा यही जियो टैगिंग होगा, ये आपका प्रॉपर होना, और एड्रेस का प्रूफ भी देना पड़ेगा। यदि हर एक जगह का एड्रेस का जीएसटी नंबर अलग है तो आप अपलोड करेंगे, नहीं तो आपका खुद का ही प्रूफ अपलोड कर देंगे। ये डिटेल्स ऑफ द फॉर्म। प्रोसेस फ्लो डायग्राम आपको एक देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको आ रहा है कंपनी के बारे में प्रोसेस फ्लो डायग्राम, दैट मीन्स प्रोसेस फ्लो डायग्राम कैसा होता है देखो, वो भी दिखाता हूँ, ये भी आपको मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आने से लेके जो आपका प्रोडक्ट आता है, रॉ मटेरियल आने से लेके पैकेजिंग होने तक का पूरा प्रोसेस है ना, प्रोसेस फ्लो डायग्राम बोलते हैं। उसका एक चार्ट बनाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कोई ना कोई होगा,
समझो इसको, हाँ नहीं ये नहीं है, ये है डायग्राम ऐसा ही बनता है पर थोड़ा अलग है। मतलब इसी तरीके से बनाना है, जो रॉ मटेरियल आया कहाँ गया उसका पूरा प्रोसेस इस तरीके से आपको चार्ट बना के देना है। प्रोडक्ट का दिखाऊंगा तो आपको प्रॉपर समझ जाएगा। प्रोडक्ट एक्चुअली इसमें थोड़ा बहुत तो है, जो रिसीप्ट हुआ मटेरियल, मटेरियल फिर चेक हुआ, रिसीप्ट हुआ फिर स्टोरेज में गया, फिर प्रोडक्शन हाउस में गया, प्रोडक्शन हाउस से चेक हुआ, फिर ये, तो इसमें और थोड़ा सा कहाँ पे गया किस तरीके से घुमा वो आपको थोड़ा और इसमें डिटेल्स में डाल के इस तरीके से आपको बना के देना। जो रिजेक्ट हो गया वो स्क्रैप यार्ड में गया, है ना, तो इस तरीके से डिटेल्स आपको एक ऐसा चार्ट बनाना है और वो चार्ट बना के इधर अपलोड करना। प्रोसेस फ्लो डायग्राम के लिए आपके पास कुछ, जैसे कि आपके पास कोई स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन जिसको बात करते हैं, ऐसा आ गया तो उसके लिए प्रोसेस फ्लो डायग्राम फिर क्या रहता है, यदि ऐसा हो गया तो उसका एक डिटेल्स आपको अपलोड करना है, नहीं है तो सेम जो यहाँ पे अपलोड किए वही अपलोड कर देंगे तो चल जाएगा। लिस्ट ऑफ मशीनरीज, जो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लिस्ट आपके टोटल मशीनरीज क्या है वो आपको यहाँ पे बताना। जैसे कि देखो इसमें एक ही फोटो डाला है पर ऐसे मल्टीपल जितने मशीनरीज है, ये मशीनरी के साथ इसके स्पेसिफिक इसके थोड़े डिटेल्स डालना, ये मशीन क्या है क्या काम करता है, ये डिटेल्स आपको डाल के अपलोड करना है ना। जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए जो मशीन लग रही है आपके पास और उसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितना है और अभी फिलहाल कितना कैपेसिटी यूज कर रहे हो, इसके लिए आप क्या अपलोड करेंगे, ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर इंक्लूडिंग प्रोडक्शन मिक्स, उसका डिटेल्स रिकॉर्ड अपलोड करेंगे। और यहाँ पे क्या अपलोड करेंगे, प्रोडक्शन समरी रिपोर्ट, लास्ट तीन मंथ का प्रोडक्शन का समरी रिपोर्ट बनाना क्या अपलोड करना है। एक तो कैपेसिटी का यहाँ से पता चल गया और तीन रिपोर्ट से आपका एवरेज पता कर लेगा जो आप यूटिलाइजेशन कितना का हो रहा है। कस्टमाइजेशन ईच फिर से आ गया सेम, जब प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, यदि अलग कस्टमर कोई स्पेशल कस्टमर है और वो कस्टमाइजेशन के लिए कर रहा है तो उनका परचेज ऑर्डर आपको अपलोड करना है। यदि आप बना के किसी को दिए हो तो उसका वर्क ऑर्डर, नहीं तो नो कर दो, क्योंकि आप यहाँ पे जितना ज्यादा डीप में जाओगे उतना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्ट्रांग होगा, तो जो चीजें मैंडेटरी नहीं इसलिए हम उसको नो कर देते हैं। कर सकते हो ऐसा नहीं, हमें तो अपलोड करने के लिए जगह मिलेगा ही मिलेगा आगे जाके। डज हैव क्वालिटी एश्योरेंस, आपके पास कोई क्वालिटी प्लान है क्या, इंस्पेक्शन प्लान है जो है वो अपलोड करेंगे। टेरिटरी ऑपरेशन, आप ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हो, यदि ऑल ओवर इंडिया कर सकते हो तो अलग अलग लोकेशन का चार वर्क ऑर्डर अपलोड करना पड़ेगा, है ना, अलग अलग जोन का। आपका स्टेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ट्रांसपोर्ट वगैरह डिलीवरी के लिए वो किस तरीके से होता है उसका डिटेल्स प्लान। अप्रूव्ड सप्लायर क्या है, है ना, मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस उसके लिए क्या करते हो। रिजेक्टेड मटेरियल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजेक्टेड मटेरियल को किस तरीके से हैंडल करते हो, ये एक वेरिफिकेशन वीडियो में बहुत स्ट्रांग होता है। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली वो प्रॉपर वीडियो वेरिफिकेशन करेगा। कंप्लेंट्स आया तो क्या करोगे, तो ये सेफ्टी की निगरानी, वारंटी और आरएनटी, इसके डिटेल्स आपको यहाँ पे डाला है, जो नहीं है आप नो करेंगे, जो है उसका डिटेल्स अपलोड कर देंगे, सेव फाइनल सेव करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दो तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। फिर ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको टाइम मिलेगा दो चार दिन का और फिर आपका आएगा वीडियो वेरिफिकेशन। हाँ साहिल सर बोलिए। सर ये डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते जो आपने ऑनलाइन आपने जो डाला वो QCI वाले वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब अभी कोई जैसा वर्क ऑर्डर है तो वो ऑफिस से करेंगे और ITR का है तो वेबसाइट से करेंगे, ऐसे ही ना, अपना अपना कर लेंगे ना सर, उनका जहाँ से लिंक है जैसा वैसा कर लेंगे वो, अपने को तो कहीं प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता ना जाकर, सब ऑनलाइन में होगा ना, सब ऑनलाइन ऑनलाइन। ये वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स आपका सब कुछ प्रॉपर और फिर आपका आ जाएगा आगे का अपॉइंटमेंट बुक करने का। अपॉइंटमेंट बुक करोगे यहीं पर ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट बुक करना है, फिर डेस्क ऑफ असेसमेंट पास्ट बोल के आ जाएगा, जब आपका डेस्क ऑफ असेसमेंट कंप्लीट
हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा वीडियो असेसमेंट, फिर यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करोगे और फिर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, QCI वीडियो असेसमेंट बोल के, QCI वीडियो असेसमेंट एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिलेगा, ये एक एप्लीकेशन मिलेगा, फिर जिस आपने अपॉइंटमेंट बुक किया उस टाइम पे आपको इस तरीके से कॉल आएगा ऑनलाइन, ऐसा वीडियो कॉल आएगा, आपको आंसर देना है और फिर वो आपसे पूछता जाएगा हर चीज, और आपको इस तरीके से रिकॉर्ड करके दिखाना है पूरा। जनरली देखने में क्या क्या चीजें देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो आपने प्रोसेस फ्लो डायग्राम दिया था उसको पूरा का पूरा प्रोसेस को दिखाना पड़ता है। सेकेंड, आप जितने भी प्रोडक्ट आपने जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट के लिए आपने अप्लाई किया उस कैटेगरी का एटलीस्ट एक प्रोडक्ट आपका रेडी होना चाहिए आपके पास, और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स रैंडमली वो लोग वेरीफाई करेंगे, कोई भी चेक करेंगे, सब डॉक्यूमेंट्स का आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए। सेफ्टी क्वालिटी बराबर जो भी चीजें चाहिए एज पर नॉर्म्स वो आपके पास होने चाहिए, और रिजेक्टेड मटेरियल, बस इतना चीजें वेरीफाई करते, ये सब एक बार वेरीफाई हो गया आपका तो फिर आपका, फिर आपको यहाँ पे जैसा हम लोगों ने देखा था प्रॉब्लम पैनल का पैनल कोई डाउट्स है साहिल सर बोलिए। सर ये पूरा जो अपना मैन्युफैक्चरिंग का होता है वो सब दिखाना पड़ता है कि उनको ये इस तरह मैन्युफैक्चर हो रहा है, जैसे डुंडेक्स बन रहे हैं फैब्रिकेशन के अंदर सब, और वो कितने घंटे का हो सकता है सर, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होते तब तक करेंगे। ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम है तो कम में हो जाएगा। अच्छा, तो अपने आप आपसे पूछते रहेंगे तो कैटेगरी वाइज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट वाइज करेंगे, हर एक कैटेगरी का करेंगे। फिर वो लोग रैंडमली कोई भी चीजें आपसे पूछ सकते हैं जो क्या है क्या, जो भी उनको डाउट लगेगा वो पूछेंगे वेरिफिकेशन के तौर पे। और कोई डाउट्स किसी को, यहाँ पे आएंगे तो आपको जैसे मुझे यहाँ पे देखो एक OEM पैनल मिल चुका है। हाँ प्रज्ञा मैडम बोलिए। सर आप सबका फॉर्मेट दे सकते हैं हमें, मतलब वर्क तो फ्लो फ्लो चार्ट वगैरह जो भी फॉर्मेट है आप दे सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं उसका सबके तो कुछ कुछ चीजों के हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, बाकी देखता हूँ कितना हो सकता है मैं उतना देता हूँ, है ना। और सर ये वेंडर असेसमेंट के लिए आपकी कुछ हेल्प मिल सकती है क्या? हाँ मैडम मिलेगा ना, आपको कोई चाहिए तो मैं उसका हेल्प कर दूंगा। ओके सर ठीक है, ऐसा आपको OEM पैनल मिलेगा। तो ये देखो OEM पैनल मेरा फास्ट बोल के तो OEM पैनल सॉरी ये OEM पैनल मिला, गलत हो गया हमारे से। सर कितने दिन में पूरा कंप्लीट होता है अपन डालने के बाद? जनरली टाइम बताते हैं, अभी उसके बाद आया आपका डाउन डॉक्यूमेंट्स कितना जल्दी डाउनलोड अपलोड करते हो, वीडियोज कितने जल्दी में करवाते हो, है ना। अपन ऑनलाइन प्रोसेस समझो आज कंप्लीट कर लिए तो यहां से कितना टाइम लगता है? जी सर 23 डेज का मिनिमम टाइम है। 23 डेज तो ये आपका कैटेगरी का हो गया, ये कैटेगरी के लिए मुझे मिला है, ये मेरा ब्रांड है जो ब्रांड्स में हम लोग डील करते हैं, और ये अप्रूवल जैसे कोई अप्रूवल वगैरह आता है तो फिर हम लोग यहीं से अप्रूवल करते हैं, मैनेज अप्रूवल में जाएंगे तो मुझे अप्रूवल्स वगैरह भी दिखता है। प्लीज सर, क्या है तो कोई भी है देखो यहाँ पे है, ये पेंडिंग है अप्रूवल के लिए, इसने किसी ने मुझे किया है प्रोडक्ट, इसको अनऑथराइज ऑथराइज वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस, जैसे आपका प्रोडक्ट कोई कर रहे थे तो एडमिन क्लियर वो आपका क्लियरेंस के लिए चला जा रहा था तो यहीं से आपको मिलेगा। कोई सेलर को अप्रूव करना है जैसे यहाँ पे एक दिलीप इंटरप्राइजेस है, इसका भी अप्रूवल पेंडिंग है, यदि मैंने इसको अप्रूवल कर दिया तो ये कोई भी प्रोडक्ट मेरा विदाउट एनी ऑथराइजेशन मतलब जैसे डालेगा OEM अप्रूवल के लिए नहीं जाएगा। तो हमने यदि सेलर को अप्रूव कर दिया, प्रोडक्ट को खाली कैटलॉग का अप्रूव करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑथराइजेशन में जाकर से भी अप्रूव कर देंगे, डिपेंड। हाँ बोलिए सर।
सरिमा चंद्र सर। हेलो सर, बोलिए। सर बोल रहा था सर, कुछ डाउट लगेगा तो आप एनीडेक्स में लेकर बता सकते हैं। एनीडेक्स में तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। आप कैसे सर? आपको नॉर्मली व्हाट्सएप के थ्रू से या कॉल के थ्रू से हेल्प मिलेगा सर। सर हमारा सपोर्ट किसी कभी भी नहीं रहेगा, एनीडेक्स पे रहेगा पर वो पेड सर्विस रहेगा। हाँ तो चलेगा ना सर, मतलब सीखना पड़ेगा सर। एक्चुअली क्या है ना, अभी जो आपने बताया वेंडर असेसमेंट, वो थोड़ा एक फ्लो चार्ट के थ्रू बना देते तो इजी होता हमको समझने के लिए। देखो मैं आपको यहाँ पे ज्यादा तो हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि आपकी कंपनी के तरीके अलग होंगे, आपके हर एक प्रोडक्ट के बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं होगा ना सर। नहीं सर, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे आपके कंपनी में जाना पड़ेगा, पूरा डिटेल्स समझना पड़ेगा, तो मैं आपका फ्लो चार्ट बना सकता हूँ सर। बराबर, मैं आपको उसका एक्चुअली सर प्रोसेस तो है ना, प्रोसेस तो सर है, प्रोसेस ओके है, वही बोला, सिर्फ चीजें बदल जाएगी, स्पेसिफिकेशन अलग है सर। स्पेसिफिकेशन अलग, बराबर। तो मैं आपको प्रोसेस समझा सकता हूँ जो मैं वही आपको डायग्राम से समझा रहा था सर, वही चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये है हमारा, बाद में देखो मुझे ब्रांड, अभी हम लोगों ने कहीं ब्रांड नहीं देखा तो मुझे ब्रांड अप्रूवल यहाँ से करना पड़ता है। कैटलॉग में जाओ, एड न्यू ऑफरिंग, यहाँ से मुझे ब्रांड अप्रूवल कराना पड़ता है। जिस कैटेगरी में मेरा प्रोडक्ट है वहां पर मुझे ब्रांड अप्रूवल कराना पड़ता है। यहाँ पे चाहे रीसेलर भी करा सकता है और ओएम भी अप्रूवल करा सकता है, दोनों है ना। एक कैटेगरी का नाम डाल दिया और यहाँ पे आता है क्लिक हेयर टू एड, आ रहा है यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा ओएम डैशबोर्ड है, यदि मेरे पास ट्रेडमार्क है तो हम यहाँ से जाएंगे एज ए ओएम या रीसेलर, दोनों करा सकता है ट्रेडमार्क है तो। यदि ट्रेडमार्क नहीं है तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे ये सिर्फ ओनली फॉर ओएम, ओएम के लिए तो आपको यहाँ पे एक एफिडेविट देना पड़ेगा जो आपकी कंपनी का है ये प्रोडक्ट और आप इसका ओएम हो। और यदि आप एज ए अनब्रांड रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो थर्ड नंबर, जो आपका कोई ब्रांड ही नहीं है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने करा लिया है स्टॉक एक्स सॉल्यूशंस बोल के, इसलिए यहाँ पे दिखना आपको चालू हो गया। और एज ए रीसेलर करना चाहते हो तो ये दो ऑप्शन आपके लिए नहीं है, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है आपके लिए, मतलब कोई ब्रांड ओएम नहीं है और मुझे उसी ब्रांड का अनब्रांडेड में नहीं बेचना है, मुझे उस ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट को बेचना है, तो फिर फर्स्ट वाला ऑप्शन है। वो ब्रांड को आपको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ओएम नहीं हो, आप रीसेलर हो, तो आप उस ब्रांड को यहाँ पे लेके आ सकते हो। पर उसके लिए यदि इंडिया की कंपनी है और आप रीसेलर के तौर पर ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो ट्रेडमार्क लगेगा, उस कंपनी से ट्रेडमार्क लगेगा। यदि आउट ऑफ इंडिया कंपनी और उसका ब्रांड रजिस्टर करवाना चाहते हो तो उनसे एक ऑथराइजेशन लगेगा। ठीक है, अभी मान लो कोई कंपनी है, ऐसा समझते ए बी सी डी, कंफर्म करते हैं और इसको करेंगे प्रोसेस। यहाँ पे क्या क्या लगेगा, कंपनी का नाम आ गया, यदि मैं ओएम हूं इसलिए ओएम आ रहा है, यदि ओएम नहीं होता तो यहाँ पे ये नहीं आता और यहाँ पे ये नो बोल के आ जाता, मतलब आता ही नहीं ओएम डैशबोर्ड, ओएम हूं इसलिए ये आ रहा है। रीसेलर होंगे उनका एक वेबसाइट का लिंक और ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ से अपलोड, जो ब्रांड है ब्रांड का नाम क्या था, यहाँ से पता चल जाएगा कौन से ब्रांड के लिए। स्टॉक सॉल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, इसको कंफर्म। ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, ठीक है, देखता हूँ। ऑलरेडी ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है पर इसको अभी जो मेरा ये ब्रांड है उसको हम लोग यदि ट्रैक करना चाहते हैं तो कहाँ से ट्रैक करें, ट्रैक आपका होगा प्रोडक्ट सर्च माय ऑफर मोर और यहाँ पे ब्रांड या ओएम रिक्वेस्ट, ये अप्रूवल है ना, ब्रांड एंड ओएम दोनों मेरा यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। यदि आप ओएम नहीं होंगे तो सिर्फ ब्रांड अप्रूव होगा, जैसे ये वाला, इसमें क्या है खाली ब्रांड अप्रूवल है,
सिर्फ ब्रांड अप्रूवल हुआ है। तो यहाँ पे भी यदि मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है, मैं OEM हूँ पर इस ब्रांड सेम कैटेगरी में, ये इस कैटेगरी में मुझे यदि कोई प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे एज ए रीसेलर बेचना पड़ेगा, पर इस कैटेगरी में जब मैं कोई प्रोडक्ट बेचूंगा तो मैं एज ए OEM बेचूंगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड एंड OEM दोनों है। और यदि इसमें खाली ब्रांड अप्रूवल है तो इस यहाँ पे यदि हम कोई प्रोडक्ट बेचेंगे तो एज ए हम लोग एज ए क्या बेचेंगे, सिर्फ रीसेलर बेच पाएंगे। सिर्फ यहाँ पे जो अप्रूव्ड है वो अप्रूव्ड दिखा रहा है ना, यहाँ पर भी मेरे पास है, यहाँ पर भी मुझे एज ए रीसेलर बेचने को मिलेगा। देखना चाहते हो तो देखो, कंपनी का नाम याद रखो, ब्रांड का नाम, सॉल्यूशन, कैटलॉग, प्रोडक्ट एंड न्यू ऑफरिंग। आ गया कैटेगरी का ब्रांड, हम लोग क्या दे लेते हैं स्ट्रॉक्स। ऐसा कैसे हो गया STO, इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ऐसा बताता नहीं स्टॉक। एक ये आ रहा है स्टॉक करके, पर मेरा ब्रांड स्टॉक कुछ है, चेक कर लेता हूँ। स्ट्रॉक सॉल्यूशन बोल के ब्रांड ही ढूंढना एक बड़ा मुश्किल का काम है। तो इसमें से मैं यदि दूसरा कोई भी ब्रांड में करूं तो मुझे रीसेलर दिखाएगा, पर मैं स्ट्रॉक सॉल्यूशन में करूंगा तो मुझे एज ए OEM प्रोडक्ट अपलोड कर लेगा। एक्चुअली ये गलत है, खाली ABCD से अरेंज करना चाहिए जो ये लोग करता है। ठीक है, अभी मैं कोई भी प्रोडक्ट ले लेता हूँ, इसमें टू वे ऐसा प्रोसीड विथ न्यू। मैं भी ऐसे ही डाल रहा हूं, एज ए OEM आया। आप लोग अभी यहाँ पे क्या आ रहा था, एज ए रीसेलर आ रहा था, यहाँ पे एज ए OEM आ गया। तो OEM बनने के बाद आपको प्रोडक्ट एज ए OEM होगा सेम ब्रांड में। मैं अभी मेरे ही उसमें यदि मैंने ले लिया दूसरा रीसेलर तो फिर वो रीसेलर को देखना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ब्रांड और OEM पैनल वेंडर असेसमेंट, ये तीन पार्ट हम लोगों ने अभी देखा।
क्लियर है? कोई डाउट्स है तो बताओ।